हाय गाइस, मैं हूं हितेश और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक इजी वेबसाइट, एक सिंपल वेबसाइट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस में। तो हमें वेबसाइट रेडी करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि डोमेन और होस्टिंग सर्वर की। डोमेन हमने कैसे बाय करना है, होस्टिंग हमें कैसे बाय करनी है, इन दोनों को नेम सर्वर से DNS से कनेक्ट कैसे करना है, तो ये सब के बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसका लिंक हमने आई बटन में दे दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हो। इसके बाद में हमें ज़रूरत होती है वर्डप्रेस को अपनी वेबसाइट के होस्टिंग सर्वर में इंस्टॉल करने की। तो हमने होस्टिंग सर्वर में वर्डप्रेस को दो तरीके से इंस्टॉल करने की एक वीडियो बना के आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हो, देख सकते हो उसको और सीख सकते हो। तो उसके बाद का जो स्टेप है एक वेबसाइट रेडी करने के लिए, हमें सिंपल एक इजी वेबसाइट रेडी करने के लिए क्या क्या करना होता है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हमें हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से ऑलरेडी इसको लॉगिन करके रखा हुआ है। आपको पता है कि आप लॉगिन कैसे कर सकते हो, wp-admin लगा के आप इसको लॉगिन कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे एक सिंपल और इजी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद में कुछ इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है जो कि हमने इस उसी ओल्ड वीडियो में बता दी है। उसमें सब कुछ बताया गया कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद कुछ जो रिकमेंडेड सेटिंग्स होती है जो कि आपके SEO में काम आएगी, और इसके बाद में वूकॉमर्स कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हमने बता दिया है उसमें ही। तो वूकॉमर्स इसमें ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें चलना है अपीयरिंग्स के अंदर, थीम्स के अंदर। हम थीम इसकी चेंज करेंगे। तो थीम्स मैं आपको बता दूं दोस्तों, थीम मैंने ऑलरेडी एक थीम डाउनलोड करके रखी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं उस थीम को यहाँ अपलोड करूँगा। अभी अपलोड बटन पे क्लिक करके मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो मैं इसको अपलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अभी। हमारी थीम अभी अपलोड हो चुकी है, एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके इसको अभी एक्टिवेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये थीम जो है हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी मैं इसको दूसरी हमारी जो वेबसाइट है अभी इसको मैं रीलोड करके देख लेता हूँ कि हमारी वेबसाइट अभी दिखने में कैसी है। ये जो है वर्डप्रेस की थीम है, डिफ़ॉल्ट थीम है जो हमें मिलती है। तो देखिए, ये कुछ ऐसे चेंजेस हो गया इसमें, और ये जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ पेजेस बनाए थे, जो ये उसके पेजेस हैं। तो अभी हम चलते हैं इस थीम के बारे में कुछ बात करते हैं। तो अपीयरिंग्स के अंदर नेविक की ऑप्शन है, नेविक जो इस थीम का नाम है, नेविक थीम, नेविक की ऑप्शन है। अभी मैं इसमें जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ थीम के बारे में कुछ डिटेल्स, थीम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट। तो ये थीम का जो पेज खुल गया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कुछ थीम के बारे में आपको बता देता हूँ। ये एक रेडीमेड थीम जिसमें कि आपको सभी की सभी साइट, जैसे कि आप अगर कोई बिजनेस साइट बना रहे हो तो आपको उस टाइप से एक टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, और अगर आप कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट बना रहे हो तो आपको उस टाइप से कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, या इसके कुछ और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो इसमें आपको मिल जाएंगे। आप इसको उनको इजी से इंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हो। और अभी मैं इसके कुछ यूज़फुल प्लगइन्स के बारे में बता देता हूँ। ये कुछ रिकमेंडेड एक्शंस हैं, ये अभी एक प्लगइन्स है, इसकी बात कर रहा है कि प्लगइन्स को इसको इंस्टॉल करने की बात कर रहा है, जिसमें ये टेम्पलेट्स, लाइब्रेरी वगैरह कुछ अदर से और भी कुछ बहुत सारा कुछ इसमें मिलेगा। बट लेकिन अभी मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, और मैं कुछ यूज़फुल प्लगइन्स हैं जो कि इस थीम में रिकमेंडेड हैं वो इनके बारे में बता देता हूँ। ये इमेज ऑप्टिमाइज़र है, ये आपकी SEO के लिए काम आता है, वेबसाइट को इजी और जल्दी से जल्दी खुलने में और वेबसाइट को प्रोसेस में टाइम ना लगे, इसलिए ये अब काम आता है आपके। और ये ऑर्बिट फॉक्स ही एक जैसे कि इसमें आपको गूगल एनालाइजिंग वगैरह और कुछ बहुत सारे अदर फीचर्स मिलेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स मिलेंगे जो कि एक वेबसाइट में होने चाहिए होते हैं। तो उसके बाद में हम चलते हैं RSS फीड्स का एक प्लगइन है। इसमें आपको क्या है कि अब अगर आप कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हो तो आप में इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको कोई भी वेबसाइट से आप उसकी न्यूज़ वगैरह और कुछ भी आप उसके ब्लॉगिंग की डिटेल्स वगैरह वहां के ब्लॉग अपनी वेबसाइट में उठा सकते हो, ऑटोमेटिकली ये सिस्टम होता है उसमें।
और ये प्लगइन्स को मैं आपको बता दूँ, एक पेज बिल्डर है, ये लेआउट्स वगैरह टेम्पलेट्स वगैरह इंस्टॉल करने के बाद में इसको कस्टमाइज़ करने के काम आता है ये। अभी ये WP प्रोडक्ट्स रिव्यू लाइट जो कि अगर एक ई कॉमर्स स्टोर आप रेडी कर रहे हो तो उसमें ये काम आएगा अभी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं इसमें, जैसे कि विजुलाइजर ट्रांसलेट, WP ट्रांसलेट का एक और प्लगइन है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। और यहाँ पर जो ये एक प्लगइन है अभी ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कुछ नेटवर्क के इशू के वजह से, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लगइन एलिमेंटर है, एलिमेंटर पेज बिल्डर, जो कि हर वेबसाइट के लिए नहीं बोल सकते बट लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, उसको ईजी बनाने के लिए आपको काम आता है पेज बिल्डर। तो उसके बाद में इसके कुछ और भी फीचर्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह है उसमें कुछ आप कॉन्टैक्ट्स का, और ये फ्री वस्ट प्रो थीम के बारे में बताया गया है कि आपको यहाँ फ्री थीम में क्या क्या कुछ मिलेगा और प्रो थीम में क्या क्या कुछ मिलेगा। बहुत से इसमें फीचर्स में डिफरेंट है, बहुत सा फ़र्क है इसमें, आपको वूकॉमर्स बूस्टर वगैरह और बहुत कुछ इसमें आपको प्रो में भी अवेलेबल है। बट लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसके फ्री थीम के फ्री वर्जन के बारे में। अब हम चलते हैं साइट्स लाइब्रेरी में। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ वो आपको सभी टेम्पलेट्स मिलेंगे जो आप इंस्टॉल कर सकते हो, इजीली अपने वेबसाइट रेडी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसमें से कुछ का प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि आपको कैसे दिखने में कैसे लगते हैं। और जो है ये फोटोग्राफी का है और ये कुछ लॉयर के लिए हैं, ये फ्रीलांसर का है। बट लेकिन मैं आपको बता दूं ये सभी के सभी फ्री नहीं हैं, इनमें से कुछ फ्री हैं और कुछ इनमें से प्रो भी हैं, जिनको इंस्टॉल करने के लिए अगर हम इंस्टॉल करते हैं हमें कुछ पेमेंट पे करनी पड़ती है। तो मैं इनमें से कुछ फ्री को उठा के आपको दिखा देता हूं कैसे ये दिखते हैं और कैसे कुछ इनका ये डॉक्टर वाला के इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कैसे दिखता है ये। देखिए दोस्तों, ये जो है वेबसाइट का हेडर है, इसमें आपको ये दो अलग अलग से पेज इसमें दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप अपनी मर्जी से और भी पेज ऐड कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, फुली कस्टमाइज हैं। ये इसका जो हेडर है और इसके बाद में ये कुछ स्लाइड एरिया है, इसको बोलते हैं हीरो हेडर वगैरह। तो अभी यहाँ कुछ एक बटन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और ये कुछ एक फॉर्म दिया गया है, बुकिंग का फॉर्म, यहाँ कुछ ब्लॉग टाइप से लिखे हुए हैं और काफ़ी अच्छी ये टेम्पलेट हैं, काफ़ी अच्छे आप यूज़ कर सकते हो इसको कस्टमाइज करके। आप इसको डॉक्टर के लिए नहीं, आप इसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नीचे ये मैप, गूगल मैप भी दिखाई दे रहा है एड्रेस वगैरह के लिए या कुछ भी। और ये कुछ सोशल लिंक्स वगैरह इसमें दिखाई दे रहे हैं। और नीचे आए तो इसके में फुटर जो है, फुटर इसका बॉटम फुटर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में कॉपीराइट का सेक्शन जो होता है इसे दिखाई रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल। पर लेकिन मैं आपको कुछ और भी इसमें से टेम्पलेट्स हैं उनके बारे में भी दिखा देता हूँ कि कौन से टेम्पलेट्स हैं उनको। ये फोटोग्राफी का एक टेम्पलेट है, मैं इसको चूज करके आपको इसको प्रीव्यू दिखा देता हूँ ये कैसे दिखता है। देखिए दोस्तों, ये इस साइड में इसका लोगो बिल्कुल परफेक्ट है। लोगो अगर हम इस बात करें इसके लोगो की, अगर इसका जो स्पेस है इसको हम ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। और ये इस साइड में आपको जो पेजेस हैं सभी इसको आपको दिखाई देंगे। और इनका जो एनिमेशन है बहुत अच्छा लगा मेरे को, इनका एनिमेशन बहुत अच्छा है, बस बहुत सुंदर है। और ये एक बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हेडिंग है और ये इसकी स्मॉल हेडिंग है जो सेकेंड हेडिंग बोलते हैं इसको। यहाँ ये अलग अलग से सेक्शन दिए हैं, आपको उसके एक्सप्लेन कर सकते हो अपने काम के बारे में, रजिस्ट्रेशन करने के स्टाइल के बारे में, तरीके के बारे में। कुछ पोर्टफोलियोज दिए गए हैं नीचे। और ये गेट इन टच का या सब्सक्राइबेशन का या कुछ ऐसे हम न्यूज़लेटर सब्सक्राइबेशन का कुछ बटन हम यहाँ दे सकते हैं। ये अबाउट सेक्शन है और ये कॉन्टैक्ट के लिए, मैसेज के लिए सेक्शन है। यहाँ पर ही इन्होंने मैं आपको बता दूँ, इसमें टेम्पलेट के अंदर ही सारा का सारा सिस्टम दे दिया है, मतलब आपको अलग से पेज रेडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंगल पेज वेबसाइट के लिए टेम्पलेट परफेक्ट हैं, अगर आप सिंगल पेज ओनली वन पेज वेबसाइट बना रहे हो तो। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ और आपको दिखा देता हूँ जो कि मुझे पसंद आया, उसमें से एक प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ।
अभी ये जो ओरिजिनल वाला है ये मुझे बहुत पसंद आया था, बट लेकिन उससे पहले ये एक ब्लॉगर का एक ये है टेम्पलेट, इसका भी मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक ब्लॉगर के लिए अच्छा है, इसमें एनिमेशंस वगैरह इसके बात करें या कुछ अच्छे एनिमेशंस हैं इसमें। यहाँ पर आप ये टॉप ब्लॉग्स वगैरह आपके ब्लॉग्स वो वगैरह दिखा सकते हो। इसमें ये सोशल लिंक्स वगैरह दिए गए हैं यहाँ, ठीक है, काफ़ी अच्छा है ये। चलो हम चलते हैं अभी इसकी तरफ, तो मैं इसको आपका आपको इसका पहले प्रीव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम इसको इम्पोर्ट करेंगे अपनी वेबसाइट में। तो देखिए ये इसका प्रीव्यू है, ये कुछ दो अलग अलग से बटन दिए गए हैं यहाँ पर, आवर वर्क और सर्विसेज वगैरह का ये मेन हेडिंग जो है दी गई है। यहाँ पर आपका जो लोगो है वेबसाइट का लोगो आ जाता है, यहाँ पर कुछ अलग से पेजेस आ जाते हैं, कार्ड का बटन भी दिया गया है अगर आप एक स्टोर रेडी कर रहे हो तो। आपको बता दूँ कि जो आप अलग अलग से टेम्पलेट इंस्टॉल करोगे, आपके यूजिंग के अकॉर्डिंग आप जो टेम्पलेट इंस्टॉल करोगे उनमें आप अलग अलग से फीचर्स होते हैं। तो जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये एक स्टोर टाइप से कुछ या मेंबरशिप टाइप से या सब्सक्राइबेशन टाइप से एक है टेम्पलेट है, जिसके लिए हमें वूकॉमर्स प्लगइन की ज़रूरत होती है, पेमेंट गेटवे की ज़रूरत होती है, और पैकेज वगैरह के लिए और भी बहुत कुछ प्लगइन्स वगैरह की ज़रूरत होती है। उसी टाइप से अगर आप एक ब्लॉगिंग का जो टेम्पलेट इंस्टॉल करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो आपको उसी टाइप से कुछ प्लगइन्स की नीड होती है। उसमें आपको वूकॉमर्स की नीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट लेकिन अगर आप कुछ पेमेंट वगैरह या कोई डोनेशन वगैरह टाइप से कुछ आइकन कुछ बटन रखते हो तो आपको उसमें वूकॉमर्स इंस्टॉल करना पड़ता है। तो चलो मैं आपको इसमें कुछ नीचे की फीचर्स वगैरह कुछ नीचे की दिखा देता हूँ कैसे ये दिखता है। ये कुछ तीन आइकन्स दिए गए हैं, सुंदर आइकन है, इसके कलर्स वगैरह भी। और ये नीचे सबसे बड़ी बात है कि अबाउट सेक्शन जो इसके इन्होंने सभी सेक्शन को अलग अलग नंबर में अलग अलग से डिवाइड कर दिया है। तो ये इनका जो फर्स्ट सेक्शन है अबाउट सेक्शन है, आपकी वेबसाइट का अगर आप सिंगल वन पेज वेबसाइट रेडी कर रहे हो तो आपको उसी पेज में आपको अबाउट सेक्शन रेडी करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट सेक्शन रेडी करना पड़ता है, और अगर आपकी कोई टीम है तो आपको टीम सेक्शन वगैरह भी रेडी करना पड़ता है। उसमें आपके फीचर्स वगैरह या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में भी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है। तो इन्होंने ये अबाउट सेक्शन यहीं पर बना दिया है। तो ये इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी सुंदर है, इन्होंने एक ये पिक्चर यहाँ पे यूज़ किया है और ये एक जो है एलिमेंट यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसके नीचे चलते हैं और ये है आवर फोकस, जो इन्होंने सर्विस वगैरह का जो सेक्शन होता है वो इन्होंने बनाया है। तो इसमें इन्होंने वेब डिज़ाइनिंग, यूएक्स डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी और ऐप डेवलपमेंट के बारे में बताया है। जैसे इनके जो एलिमेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं और इनके हम एनिमेशन की बात करें तो ये काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छे दिखते हैं कि ये जो इनका एनिमेशंस हैं। अभी मैं चलता हूँ ये नीचे की तरफ, तो ये देखिए एक्सप्लोर मोर के और एक्सप्लोर आवर ऑसमनेस की जो है इसमें कुछ एक वीडियो का आइकन दिया गया है। यहाँ आप अपनी यूट्यूब से कनेक्ट करके वीडियो भी रख सकते हो या आप अपने होस्टिंग सर्वर में अपनी वेबसाइट में वीडियो अपलोड करके भी यहाँ रख सकते हो। और ये आवर टीम का जो है इसमें एनिमेशन बहुत सुंदर है, मैंने अभी एनिमेशन की बात की। एनिमेशन की बात करें तो ये इस टेम्पलेट का एनिमेशन मेरे को बहुत सुंदर मिले हैं। ये टीम सेक्शन है, तो अगर आपके कोई टीम है या आप कुछ वेब डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग या कुछ इससे अलावा फोटोग्राफी के रिगार्डिंग या फोटोशॉप के डिज़ाइनिंग के और इस टाइप से कुछ आप काम कर रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट है ये। आप यहाँ आप उनकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, नेम्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। उसके बाद में हम बात करें कि ये कुछ अलग से तीन चार काउंटर्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट रेडी करते हैं तो उसमें आपको अपनी वेबसाइट की और अपनी कंपनी की कुछ इम्प्रूवमेंट को, अचीवमेंट को शो करने के लिए कुछ काउंटर्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं, जिसमें आप उनके फॉलोवर्स दिखा सकते हो, सर्टिफाइड क्लाइंट दिखा सकते हो, और प्रोजेक्ट जो उन्होंने कंप्लीट किए हैं, हमने कंप्लीट किया वो भी आप दिखा सकते हो, और भी बहुत कुछ आप दिखा सकते हो वहाँ। तो उसी टाइप से यहाँ भी ये कुछ काउंटर्स वगैरह दिखाए गए हैं। इनका एनिमेशन और कलर वगैरह की बात करूँ तो बहुत परफेक्ट है ये। और इसके नीचे फोर्थ सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये डिटेल्स हैं। ये कुछ डिटेल्स इन्होंने सर्विस टाइप से कुछ एक अलग से पेज अलग से एलिमेंट इन्होंने रेडी कर दिया है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये इसमें दिखाई दे रहा है, इसकी एलिमेंट्स की जो एनिमेशन है ये बहुत सुंदर है।
जो ये साइट से निकल के इसकी तरफ ये जो आ रहा है, मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने कुछ चार अलग से पांच अलग से कुछ फीचर्स बताए हैं, जैसे कि ये ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल, ये थीम के वगैरह के टेम्पलेट के बारे में बताया गया है इसमें। तो ये है प्राइजिंग टेबल। प्राइजिंग टेबल की बात करूँ तो दोस्तों, प्राइजिंग टेबल आपको उस आपको वेबसाइट में ज़रूरी होता है जहाँ पर आप मेंबरशिप या कुछ इस टाइप से या कुछ सब्सक्राइबेशन वगैरह रख रहे हो, आप मंथली या एनुअली कुछ प्राइजिंग वगैरह रख रहे हो, या कुछ आप सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवा देते हो कुछ मंथली बेस पे या फिर इस टाइप से, तो आपको प्राइजिंग टेबल आपको बनाना पड़ता है उसमें, ताकि जो आपका विजिटर है वो आपकी वेबसाइट पर विजिट करे, आपके प्राइस वगैरह चेक करे, उनको कंपेयर करे, मंथली को कंपेयर करे, एनुअली को करे, और सभी वो प्राइसेस को कंपेयर करके उनको बाय कर सके, उनको सर्विस को आपकी सर्विस को बाय कर सके। तो इनका जो प्राइसिंग टेबल की बात करें तो इन्होंने काफ़ी सुंदर ये प्राइसिंग टेबल बनाया हुआ है इसमें। और ये है दोस्तों इनका टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल की बात करें, टेस्टिमोनियल वो सेक्शन होता है जिसमें आपके रिव्यूज़ और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके रिव्यूज़ वगैरह आपको शो करने होते हैं। और ये इन्होंने 7th सेक्शन बनाया है वाई सेलेक्ट अस की। जैसे कुछ आपकी कोई वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी है या कुछ आपका वेबसाइट के रिगार्डिंग आपको या फिर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आप कोई काम कर रहे हो, तो आपको उसमें कभी कभी दिखाना पड़ता है कि आप हमें क्यों चूज़ करें, या वाई चूज अस का सेक्शन या फिर वाई सेलेक्ट अस का सेक्शन जो होता है उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि मतलब हमने इस साल में इतना ग्रो किया था और हमारे पास ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि अदर कंपनीज के पास नहीं है, या फिर हमारे पास कुछ अलग से, जो भी आपके पास अलग से सर्विस हो या कुछ अलग से कुछ फीचर्स हो, कुछ आप फ्री प्रोवाइड करवा रहे हो या कुछ आप एडवर्टाइजमेंट फ्री करवा रहे हो, जो भी कुछ आप उसमें दिखा सकते हो, ताकि कस्टमर जो है या आपका जो विजिटर है आपको ही चूज़ करे, तो आपको उसको चूज़ करने का कुछ रीज़न आपको देना पड़ता है कि वो आपको चूज़ क्यों करे। तो उसी टाइप से इन्होंने 7 सेक्शन रेडी किया हुआ है, बहुत सुंदर है। इसमें कलर्स वगैरह की बात करें तो और एनिमेशंस की बात करें तो ये बहुत सुंदर है। इसके नीचे देखिए ये दोस्तों एक सेक्शन है, इन्होंने अलग से सेक्शन दिया है कि एलिमेंट दिया है इन्होंने, सेक्शन नहीं एलिमेंट दिया है। इसमें जर्नी का ऑप्शन दिया है इन्होंने कि स्टार्ट अवर जर्नी विद अस नाउ। तो इसमें गेट स्टार्टर पे क्लिक करके आप इसकी वीडियोस वगैरह देख सकते हो, उनकी जो बिगिनिंग थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन्होंने, या फिर स्टार्टिंग से लेके कंटिन्यूसली उन्होंने कैसे कैसे काम किया है और कौन सी कंपनियों के साथ में काम किया है, वैसे इसमें कुछ आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। और ये है दोस्तों ब्लॉग सेक्शन। ब्लॉग आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है अगर आप SEO का, और अगर हम बात करें SEO की, तो अगर हम उसको ब्लॉग बोल दें तो भी ठीक है, और अगर हम उनको पोस्ट वगैरह बोलते हैं तो भी ठीक है। कोई भी वेबसाइट की SEO तभी काम करती है जब हम उसमें हमारे कीवर्ड्स के ब्लॉग रखते हैं, उनमें हम अपने कीवर्ड्स रखते हैं। हम अपने कीवर्ड्स कहाँ रखेंगे, हम अपने कीवर्ड्स हमारे ब्लॉग सेक्शन में ही रखेंगे। और ब्लॉग सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट के लिए, जिसमें हम हमारे वेबसाइट के लिए मतलब हमारी कंपनी के काम करने के तरीके के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ अलग से जैसे कि सर्विस, जैसे कि अभी हमारी कंपनी की बात करें कि वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी Leeoweb के बारे में, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, होस्टिंग सर्वर क्या है, cPanel क्या है वगैरह वगैरह। तो उन्हीं के लिए एक रिटन ब्लॉग बनते हैं। तो ये ब्लॉग सेक्शन है बहुत सुंदर। इन्होंने फ्रंट पेज पे ही, जो कि हमने बात की है कि सिंगल पेज वन पेज वेबसाइट रेडी की, इन्होंने फर्स्ट पेज पे ही ब्लॉग का सेक्शन दिया है। और ये देखिए दोस्तों, इसमें सब्सक्राइब का जो है न्यूज़लेटर सब्सक्राइब का, इन्होंने एक यहाँ पे ही एक एलिमेंट बना दिया जिसमें आप अपने ईमेल वगैरह डाल के सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये 9th में जो सेक्शन इन्होंने बनाया गेट इन टच का, जो ये कॉन्टैक्ट का, अगर इनको बात करें, हम बात करें कॉन्टैक्ट का जो पेज होता है, तो उसमें हम इसी टाइप से कुछ एलिमेंट्स हम बनाते हैं कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, कॉन्टैक्ट नाउ पे क्लिक करता है, और आपके पेज पे जाने के बाद में अपना वो नेम, ईमेल आईडी और आपका जो मतलब जिस रिगार्डिंग वो आपको आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो सब्जेक्ट उसमें लिखता है, अपना मैसेज टाइप करता है, उसको आपको सेंड कर देता है। उसी टाइप से इन्होंने ये सेक्शन बनाया, बहुत सुंदर सेक्शन है। तो इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, ये कुछ फुटर सेक्शन है। ये फुटर सेक्शन जो है ये दिखने में काफ़ी सुंदर है।
एक साइड में इन्होंने ये सोशल लिंक्स वगैरह दे दिए, सभी के सभी सोशल लिंक्स हैं, और ये कुछ अलग से इन्होंने अपनी मर्जी से आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, अपने एड्रेस वगैरह डाल सकते हो, या फिर अपना कुछ लोगो वगैरह भी डाल सकते हो, या फिर अबाउट अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी सी दो या तीन लाइनें डाल सकते हो। और ये है नीचे कॉपीराइट सेक्शन, जो फुटर सेक्शन बोलते हैं इसको। तो ये कॉपीराइट सेक्शन जो है काफ़ी ठीक है, ये सभी मतलब ब्लैक के अंदर है। अभी इसको आप चेंज भी कर सकते हो अपने कलर के अकॉर्डिंग, आप अपने कलर थीम के अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं हमारी वेबसाइट को रेडी करने के लिए, हमारी वेबसाइट में, हमारे वर्डप्रेस में। तो अभी इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ मैं। इम्पोर्ट नाउ पर क्लिक करके ये कुछ आपको एक सेक्शन खुलेगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आपको जो कंटेंट है, इसमें जो कंटेंट ऑलरेडी इसमें जो इंस्टॉल्ड है, जो कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, क्या वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप इसको अलाउ करते हो तो आपका ये जो सभी इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो सभी आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें अभी कस्टमाइज़र की ऑप्शन है, कस्टमाइज़र आपको चाहिए तो बिल्कुल चाहिए। अगर आप हम वेदर की बात करें तो वो भी हमें चाहिए। इसके बाद में ही हम कुछ बात करें कि ये कुछ प्लगइन्स हैं जो कि इसमें रिकमेंडेड हैं, इस टेम्पलेट में रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं। इनमें से सबसे पहला प्लगइन है वूकॉमर्स, जो हमने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर लिया है, और ये है एलिमेंटर पेज बिल्डर और ऑर्बिट फॉक्स। ये जो प्लगइन मैंने आपको बताया था गूगल एनालाइजिंग के लिए, और भी बहुत से इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। और एलिमेंटर पेज बिल्डर के बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा, इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो भी बना देंगे। और एलिमेंटर पेज बिल्डर जो है आपको हमेशा काम आएगा एक अच्छी वेबसाइट के लिए, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर परफेक्ट है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होता है। तो मैं इसको वूकॉमर्स को अभी अलाउ करके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंस्टॉल होने में 102 मिनट का टाइम लेगा, कुछ ये जो इसके प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल करेगा, सेटिंग्स वगैरह इसकी और इसके वेजेस वगैरह। इसमें कुछ इमेजेस वगैरह उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, वो सब इंपोर्ट कर ले उसमें। देखिए अभी इसमें जो हमारा कंटेंट था, ये जो टेम्पलेट हमने उठाया था, वो इंपोर्ट हो चुका है। अभी हम अपनी वेबसाइट देख लेते हैं कि कैसे दिखती है हमारी वेबसाइट। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी वेबसाइट है उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो ये बिल्कुल सुंदर दिख रही है। देखिए इस अबाउट अस पेज सेक्शन की जो एलिमेंट्स हैं उसके, ये जो एनिमेशंस हैं, बहुत सुंदर एनिमेशंस है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने तरीके से, आप इसको चेंज कर सकते हो आपको जिस टाइप से भी चाहिए। अगर आप इनके हम इनकी बात करें कि इनके एनिमेशंस की, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। इनके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, इनके आइकन्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, इनके फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप ये इस पूरे के पूरे एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हो, इस पूरे सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पर कुछ और भी आप ऐड कर सकते हो, फुली कस्टमाइज्ड हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको अगर आप कंटिन्यू इसको ही करना चाहो तो आप कर सकते हो। एक परफेक्ट और सुंदर वेबसाइट है, और सबसे बड़ी बात है ये SEO फ्रेंडली है, कि मतलब अगर आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करती है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन की बात करें या कुछ भी, तो इसमें ऑलरेडी ये सब कुछ आप बना दिया गया है। मतलब कि अगर इमेज ऑप्टिमाइजर की बात करें, या कुछ अलग से कुछ एक दो प्लगइन्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को प्रोसेस को स्लो ना हो, आपकी वेबसाइट थोड़ी फास्ट चले, उस टाइप से आपको प्लगइन्स वगैरह की नीड होती है, वो सभी इसमें ऑलरेडी है कि आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली रहेगी, SEO के लिए आपकी वेबसाइट परफेक्ट रहेगी, प्रोसेसिंग स्पीड इसकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो अभी चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने कौन से प्लगइन अभी इंस्टॉल किए हैं हमारी वेबसाइट में। तो देखिए दोस्तों, इसने एलिमेंटर जो है, एलिमेंटर पेज बिल्डर इसने इंस्टॉल कर लिया है, ऑर्बिट फॉक्स जो है इसने इंस्टॉल कर लिया, और वूकॉमर्स हमने पहले ही इंस्टॉल करके रखा हुआ था, वो भी इसने इसमें अपनी सेटिंग्स वगैरह थोड़ी चेंजेस वगैरह कर दी है आई थिंक। तो अभी हम चलते हैं हमारी वेबसाइट को कस्टमाइज कैसे करना है, हमारे पेज को कस्टमाइज कैसे करना है, हम इसके पेजेस वगैरह को चेक कर लेते हैं, इसमें कैसे कितने पेजेस वगैरह हैं, जैसे भी कुछ। ये हमने सारे पेजेस जो है ऑलरेडी हमने बनाए थे, बट लेकिन ये कुछ नए पेजेस वगैरह हैं जो कि ये कुछ पेजेस हैं जो कि इसने अभी न्यू क्रिएट किए हैं, और ये जो ओल्ड पेजेस हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं।
आप अपनी मर्जी से यहाँ पर अपने ज़रूरत के हिसाब से पेज क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपके ज़रूरी पेजेस वगैरह हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेटिंग में जाके मैं इसको एक बार फिर से इस परमा लिंक की सेटिंग को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सही सेटिंग है इसकी। और अभी मैं इसकी रीडिंग की सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसमें होम पेज आपका ऑलरेडी सेलेक्ट है और पोस्ट के लिए ब्लॉग पेज सेलेक्ट हो चुका है, तो इसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक पेज यहाँ पर हमने सेटिंग के अंदर आके रीडिंग की सेटिंग चेंज की है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो आपकी वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, ताकि हमारी जो वेबसाइट है उसका अलग से यूआरएल के बाद में पेजेस का लिंक वगैरह ना लगाना पड़े। और आप यहाँ पे स्टैटिक पेज की जगह पे अपना होम पेज को सेलेक्ट कर सकते हो, या अपने मर्जी से कोई अदर पेज को सेलेक्ट कर सकते हो। और पोस्ट के लिए कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट पर पोस्ट करता है या कुछ भी, तो आप ब्लॉग पेज को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, या आप उसमें अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी कर रहे हो तो आप उसमें शॉप पेज को या कुछ अलग से कुछ पेजेस को ऐड कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं इसके पेजेस में। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि हमें होम पेज को कैसे एडिट करना है। जब हम एलिमेंटर पेज बिल्डर को इंस्टॉल कर लेते हैं हमारी वेबसाइट में, तो हमें पेज सेक्शन में एक अलग से ऑप्शन दिखाई देती है विद एडिट विद एलिमेंटर की, तो हमें इस पर क्लिक करना है और ये एलिमेंटर पेज बिल्डर में ये ओपन हो जाएगा कि इसको कैसे एडिट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एलिमेंटर का पेज बिल्डर है ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आप किसी भी सेक्शन पे क्लिक करते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो इजीली, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको चेंज कर सकते हो। मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने चेंज किया था यहाँ पे, इसकी हेडिंग वगैरह ये चेंज हो गई है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर अगर आप लिंक वगैरह अपना रखना चाहो तो आप यहाँ लिंक वगैरह भी रख सकते हो। और हम अभी बटन्स की बात करते हैं, ये बटन का सेक्शन है, यहाँ से आप इसको कट करके डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। आवर वर्क को चेंज करके आप इसको कुछ भी अलग से आप बना सकते हो। देखिए आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप अपडेट करके इसको सेव कर सकते हो और पब्लिश कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट जो है एलिमेंटर पेज बिल्डर में लाइव अपडेट कर सकते हो, लाइव चेंजेस इसमें कर सकते हो, कोई भी किसी भी टाइप का चेंजेस होगा वो आप लाइव इसमें कर सकते हो। अभी हम नीचे के सेक्शन पे चलते हैं। देखिए इस सेक्शन को हम कैसे डिलीट करते हैं और कैसे हम चेंज कर सकते हैं इसको। मैं अभी यहाँ से क्रॉस बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये सेक्शन जो है डिलीट हो गया है, ये देखिए डिलीट हो गया है। तो इसके बाद में कुछ नीचे के सेक्शन की बात करें, अबाउट अस का जो सेक्शन है, और यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। हम इसको इसकी इमेज को चेंज कर सकते हैं, ये जो यहाँ सेलेक्ट है ये इमेज को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपने कोई भी इमेज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करके यहाँ से सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो। उसमें ये बहुत सारी इमेजेस वगैरह है जो इसकी टेम्पलेट की जो इमेज है वो इसमें अपलोड हो चुके ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से इसको चेंज करके ये वाली इमेज इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ इमेज चेंज हो चुकी है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो उस अपडेट करने के बाद में ये पब्लिक हो जाएगी। चलिए नीचे के सेक्शन में देखते हैं, इसके एनिमेशन वगैरह की बात करें, अगर हम इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करके पेंसिल बटन पे क्लिक करके हम इसके आइकन को चेंज कर सकते हैं, आइकन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इसके ये कुछ जो हमने बनाए हुए हैं अलग से एलिमेंट्स वेब डिज़ाइनिंग का और हेडिंग्स वगैरह इसकी, वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है उसका वो भी चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो आप, या कुछ इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी ये आवर फोकस का सेक्शन है, इसको मैं उठा करके यहाँ से उसको ऊपर ले जाता हूँ और अबाउट अस के सेक्शन को इसके नीचे कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने ये सेक्शन उठा के यहाँ पर रख दिया है, तो ये जो सेक्शन है वो नीचे से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ईजिली शिफ्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए ये शिफ्ट हो चुका है इसमें, और ये अबाउट अस का नीचे का सेक्शन है।
इसी टाइप से आप यहाँ पर क्लिक करके इसमें अपनी वीडियो ऐड कर सकते हो। ये वीडियो का URL यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आपने YouTube से कुछ वीडियोस वगैरह डालनी है तो यहाँ से आप इसका आइकन चेंज कर सकते हो। ये इमेज साइज वगैरह है, आप इसमें जो ऑलरेडी इसमें है वही आप रहने दीजिए। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो अगर आप चेंज कर भी सकते हो, जैसे कि ये थंबनेल का है और ये कुछ कस्टम साइज वगैरह भी आप कर सकते हो। इसमें मैं फुल इसको फुल्ली रहने दूंगा। और ये है अपनी जो टीम का सेक्शन जो है, आवर टीम सेक्शन। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसकी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप इमेज चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इसका टाइटल जो है, नेम वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इसका जो फाउंडर एंड CEO लिखा हुआ है, ये कुछ यहाँ पर अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह देना चाहते हो, ईमेल आईडीज देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। और इसकी डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हो। और देखिए नीचे के सेक्शन को भी आप इजीली चेंज कर सकते हो। कुछ भी यहाँ से आप आइकन वगैरह चेंज करना चाहो, या इस काउंटर की अगर बात करें तो ये काउंटर वगैरह जो है उसकी नंबरिंग की बात करें तो नंबर को भी इसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ कुछ ऐड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये प्राइसिंग टेबल का सेक्शन है, यहाँ पर ये कुछ स्पेस है, इसमें कुछ मैं ऐड कर लेता हूँ। स्पेस को आप बड़ा भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो मैं सिंपली इसको प्लस बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये कुछ एक प्लस बटन का आइकन है, मैं प्लस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये एक साइज़ पूछ रहा है कि हमने जो एलिमेंट ऐड करना है उसका साइज़ क्या रहेगा। हमने कुछ दो एलिमेंट्स करने हैं, तीन एलिमेंट्स करने हैं, चार, या फिर इस टाइप से अलग अलग से साइज़ का। मैं ये फुल का ले लेता हूँ। अभी फुल को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ये प्लस का बटन दिखाई देगा। इसमें आप प्लस के बटन पे क्लिक करोगे तो ये एक आपका जो एलिमेंट पेज बिल्डर है उसके सभी फीचर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर आप हेडिंग जो आप यहाँ ऐड करना चाहो तो आप एक हेडिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ उठा के रखना है और आपको यहाँ से इसकी हेडिंग को चेंज करना है। कुछ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इसके साइज़ वगैरह को चेंज कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो और लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह या कुछ भी। हेडिंग जो है आपकी फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है या कुछ भी, इसको आप बीच में कर सकते हो। ऐसे सभी इसका पूरे के पूरे स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ये स्टाइल सेक्शन में जाके इसके आप कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। ये टेक्स्ट कलर की ऑप्शन है, टेक्स्ट कलर को यहाँ पे आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो, जो अपनी मर्जी से आप इसको कलर को चेंज कर सकते हो। ये टाइपोग्राफी की ऑप्शन है, इसमें आप टाइपोग्राफी के अंदर इसका जो फॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हो। कोई भी इसमें आप फॉन्ट डाल सकते हो, इसके साइज़ वगैरह को बड़ा छोटा कर सकते हो। तो ये देखिए इसमें फॉन्ट ये चेंज हो गया है। और ये इसके वेडिट्स वगैरह को, जैसे कि आपने इसकी जो बोल्ड रखना है इसको नॉर्मल रखना है, डिफ़ॉल्ट में रखना है, जैसे भी आप इसको 900 पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये ट्रांसफॉर्म है, जैसे कि आप लोएस्ट करेक्टर यूज़ करना चाहते हो, कैपिटलाइज यूज़ करना चाहते हो, जैसे भी आप उसको चेंज कर सकते हो। इसमें बिल्कुल सब ऑप्शन है, आप इसमें कुछ भी आप एडिट कर सकते हो, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। अपनी वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चेंज करके आप रेडी कर सकते हो। और आपको सिंपली ये चेंज करने के बाद में करना क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ कि आपको अपडेट बटन पर क्लिक करके आपको अपडेट करना होता है। जो आपकी वेबसाइट है वो वहीं की वहीं लाइव चलती हुई आपकी वेबसाइट जो है एडिट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। और ये एडवांस की ऑप्शन है, एडवांस में आपको क्लिक करके मैं आपको बता दूँ क्या क्या कुछ ऑप्शंस होती है। आपको इसमें मार्जिन की ऑप्शन होती है, जैसे कि आप इसमें ये लिंक बटन पे क्लिक करके अगर इसकी बात करें तो ये सभी की पूरा का पूरा सिलेक्ट है। अभी टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से इसका मार्जिन जो है सेम चेंज होता रहेगा। बट लेकिन इसको अनसेलेक्ट करके मैं इसको चेंज करूँगा, इसका टॉप से इसका मार्जिन वगैरह ज़्यादा कर देता हूँ और ऐसे राइट से उसका मार्जिन वगैरह ज़्यादा कर सकता हूँ, ज़्यादा बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, ऐसे टाइप से इसको चेंज कर सकता हूँ। और इसके बाद में ये मोशंस इफ़ेक्ट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इसके एनिमेशंस वगैरह। तो ये कुछ एनिमेशंस हैं, जैसे कि मैं इनको दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये अलग अलग से एनिमेशंस हैं जो आप इसमें एनिमेशन डाल सकते हो कि आपके जो वर्डिंग है वो किस कैसे आएगी आपकी वेबसाइट जब रीलोड होती है। तो उसमें इसमें बहुत सारी आपको एनिमेशंस मिल जाएंगी, बहुत सारी एनिमेशंस है आपको जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। देखिए एक बहुत सुंदर है। तो उसके बाद में हम चलते हैं बैकग्राउंड के अंदर। ये बैकग्राउंड का सेक्शन है, बैकग्राउंड में आप अपनी मर्जी से अगर चाहो तो इसमें कुछ कलर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, या आप चाहो तो इसमें एक पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ये नॉर्मल है,
अगर इसकी बात करें नॉर्मल जो भी इसका बैकग्राउंड रहेगा, आप यहाँ पर कुछ इमेज वगैरह या कलर वगैरह लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको रेड कलर में सेलेक्ट कर देता हूँ, ये रेड कलर हो गया, इसको बहुत अजीब लग रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर ये कलर वगैरह कर दिया। तो अभी मैं अगर होवर पे क्लिक करता हूँ तो होवर पे जाके आप इसका चेंज कर सकते हो कलर या कुछ पिक्चर्स वगैरह या बैकग्राउंड में। होवर का मैं बता दूँ आपको, होवर वो है जब आपका कोई वर्ड या कुछ लिखा हुआ है जो कि आपके वेबसाइट का सेक्शन है, आप अगर कोई भी एरो उस पर जाता है तभी वो एक्टिव होता है, तभी वो काम करेगा। अभी मैं होवर में आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको चेंज करना होता है। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ बिल्कुल। तो देखिए अभी ये जो सेक्शन है, अभी मैं इसके ऊपर एरो लेके जाऊंगा तो ये बिल्कुल ब्लू हो गया है। तो एरो दूर करने के बाद में बिल्कुल वैसे ही कलर इसका चेंज हो गया है। तो ये होवर की ऑप्शन होती है, इसको आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से, या आप कुछ इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हो अगर आप अपनी मर्जी से कुछ इमेज वगैरह ऐड करना चाहो तो। देखिए ये इमेज जो है वाटर का कुछ इमेज ऐड हो गया इसमें, बट लेकिन ये पूरी इमेज दिखाई नहीं दे रही है, इसमें छोटा सेक्शन है। तो करके ऐसे ही आप इसको सब पूरी की पूरी वेबसाइट को आप चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, जैसे आप चाहो उसी टाइप से आप चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, हर सेक्शन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, हर चीज़ को आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये आपको बता दूं कि ऑलरेडी एक हमने जो प्लगइन्स इंस्टॉल किए उसी टाइप से आपको जो न्यूज़लेटर का एक कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल करके आप उसमें बना सकते हो। मैं आपको इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं आपको इसमें थोड़ा जल्दी से जल्दी बता दूंगा। देखिए ये एक गेट इन टच का ऑप्शन है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म की हमने बात किया अभी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या फिर आप WP फॉर्म वगैरह ऐड करके, एक प्लगइन्स हैं जो आप अपनी वेबसाइट में ऐड करके इस टाइप से कुछ फॉर्म्स वगैरह बना सकते हो। तो फॉर्म्स वगैरह बनाने के बाद में आपको इजीली मेल चिप इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि आपकी कोई वेबसाइट पे विजिट करने वाले बंदे ने अगर आपकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस नाउ पे क्लिक करके आपको मैसेज किया है तो आपको मेल चिप के थ्रू एक मेल आएगा जिसमें आपको उसमें सारी दी हुई इन्फॉर्मेशन जो है उसमें आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट किया है जिसने आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है। तो मेल चिप के बारे में हम वूकॉमर्स की वीडियो में भी बात कर चुके हैं वैसे तो ऑलरेडी, तो मेल चिप की जो वीडियो है स्पेशली मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, और मेल चिप की और वूकॉमर्स की एक कंबाइंड वीडियो बना देंगे जल्द ही। देखिए दोस्तों ये नीचे की जो है कॉपीराइट सेक्शन, अभी हम उसकी बात करेंगे कि हमें कैसे इसको एडिट करना है, बट लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर हमने इसमें देखा था कि ये ऊपर की तरफ कुछ पेजेस वगैरह जो बनाए हुए हैं, अगर हमने इस पेजेस की बात करें तो इसमें कुछ ये सेक्शंस वगैरह भी इसने दिखाए हुए जो कि टेम्पलेट्स के हैं, ऑलरेडी इसके सेक्शंस हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इसमें ये सेक्शंस, जैसे कि मैं प्राइजिंग पर क्लिक करता हूँ तो मैं सीधा प्राइजिंग पर पहुँच जाऊँगा। ये एक सेक्शंस होम, इसमें मतलब कि अगर हमने पेज को यहाँ पर ऐड करना हो तो बहुत इजी होता है कि पेज का URL जो है हम उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बट लेकिन अगर हमने उसी वेबसाइट मतलब उसी पेज के किसी सेक्शन पे विजिट करना है इस सेक्शन के द्वारा, तो हम कैसे इसको करेंगे, हम इसको कैसे कस्टमाइज करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ये एक पूरा का पूरा एक टेम्पलेट है, मतलब इसका जो हेडर है एक अलग से टेम्पलेट है, इस हेडर को हमने एडिट करना होता है, वो एलिमेंटर से हम एडिट कर सकते हैं। तो हमने जब इस पर क्लिक किया प्राइजिंग पे, तो प्राइजिंग सेक्शन जो है, प्राइजिंग सेक्शन को हम एडिट करेंगे, एडिट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, बीच के कुछ ये 6 डॉट्स हैं उस पर, तो क्लिक करने के बाद में ये लेआउट्स खुल गया उसका। तो उसके बाद में हम एडवांस पे चलते हैं, एडवांस में आने के बाद में दोस्तों आपको कुछ दिखाई देगा ये क्लास आईडीज वगैरह। तो जो आपका प्राइजिंग का टेबल है, या हम बात करें कि अगर आप किसी सेक्शन को बना रहे हो, ऊपर के कुछ सेक्शंस को बना रहे हो या कुछ अलग से कीज़ को बना रहे हो, तो आपको उसमें एक क्लास आईडी देनी पड़ती है। जैसे मैं इसमें क्लास आईडी दे रहा हूँ प्राइज, चलो इसमें नहीं, मैं इस आप एक बटन पे इस पर
इस बटन पे एक क्लास आईडी दे देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कैसे हमने इसको चेंज करना होता है। गेट स्टार्टेड के बटन को मैं अभी इसके डाउन में लेके जाऊँगा। तो हमें गेट स्टार्टेड के बटन को एडिट करना है, एडवांस पे क्लिक करना है, क्लास आईडी पे क्लिक करना है और क्लास आईडी पे क्लिक करने के बाद में हमें इसकी जो है यहाँ पर इसका यूआरएल इसको पेस्ट करना है। उससे पहले मैं एक इसको क्लास आईडी दे देता हूँ ब्लॉग को। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एडवांस पे क्लिक करता हूँ, इसकी क्लास आईडी दे देता हूँ ब्लॉग वन जो है, मैंने इसकी क्लास आईडी दे दी है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो अभी हम चलते हैं गेट स्टार्टेड के बटन पे। अभी गेट स्टार्टेड के बटन का जो यूआरएल है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ से देखिए, इसने गेट स्टार्टेड के बटन के यूआरएल को यहाँ से रखा हुआ है हैशटैग में। हैशटैग का मतलब, अगर आप वेबसाइट में उसी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट को रीलोड करना चाहो तो आप उसमें हैशटैग यूज कर सकते हो। देखिए, मैंने ये हैशटैग लगा के ब्लॉग वन जो है इसमें लिख दिया है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद में ये आवर ब्लॉग सेक्शन पे पहुँच गया। तो उसी टाइप से आपको भी चेंज करना है। आपको क्या करना है, इजीली आपका जो ये पेजेस वगैरह हैं, आपको ये यहाँ पर उसमें पेजेस वगैरह नहीं रेडी करने हैं, आपको सेक्शंस वगैरह रेडी करने हैं। आपको अपने हेडर को हेडर के टेम्पलेट को एडिट करना है पेज बिल्डर में, एलिमेंटर पेज बिल्डर में, और यहाँ से ये कुछ पेजेस वगैरह जो आप रेडी करोगे उसका जो यूआरएल है, आपको अपने ही कुछ सेक्शन का यूआरएल उसमें देना है। आपको कुछ भी इस टाइप से इस यूआरएल को यूज़ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको यूज़ करना है अपनी क्लास आईडी को, जो आप अपने सेक्शन की क्लास आईडी क्रिएट करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कॉपीराइट सेक्शन को ऐड कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, उसको चेंजेस कैसे करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। अपीयरेंस के अंदर जाके मैं इसको कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इसकी लेआउट्स वगैरह जो है आ गई है। लेआउट्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, इसका हेडर चेंज कर सकते हो, इसका फुटर वगैरह चेंज कर सकते हो, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। हेडर पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से आप हेडर चेंज कर सकते हो इसका। देखिए, पेंसिल बटन पे क्लिक करके आपको इजीली इसको आप लोगो को चेंज करना है, डिस्प्ले आपको जो भी दिखाई दे रहा है या कुछ भी आप इसको चेंज करना है, यहाँ से आप लोगो सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, मैं इसको एक लोगो के तौर पे यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये अभी इसका जो लोगो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपकी साइट की जो टाइटल है वो आप यहाँ रख सकते हो, इसके टैगलाइंस वगैरह रख सकते हो, इसके चेंज कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि शॉर्ट साइट टैगलाइंस वगैरह और टाइटल्स वगैरह, आप शो करना चाहो तो इसको शो भी कर सकते हो, अनटिक कर दो तो इसका हाइट भी कर सकते हो इसको। और ये लोगों का मैक्सिमम वेट है कि आप इसको चेंज करना चाहो, इसको बड़ा छोटा करना चाहो तो। ये थीम, अगर इसकी थीम की बात करें तो ये फुली कस्टमाइज थीम है। इसमें आपको ऑलरेडी बिल्डर जो है, आपको पेज बिल्डर भी मिल जाता है, और उसको आपको यूज़ करने के लिए उसमें टैम्पलेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, आपको कस्टमाइज़ करने के लिए टैम्पलेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये मोबाइल व्यू में कैसा दिखता है। बिल्कुल, ये देखिए नीचे की ऑप्शन है, आपको हेडर को आप मोबाइल व्यू में देख सकते हो, आपका हेडर जो है मोबाइल व्यू में कैसा दिखेगा। आप यहाँ से ही इसको एडिट कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। तो ये सेक्शन बटन पे, यहाँ पर मैं कुछ ये पेंसिल बटन पे क्लिक करके मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, दो यहाँ पर जो है कुछ सर्च का आइकन और एक कार्ट का आइकन है, इसको आप चेंज कर सकते हो। आप कार्ट के आइकन को रिमूव या ऐड कर सकते हो। और यहाँ से मैं पेंसिल बटन पे क्लिक करके इसके जो सेक्शंस हैं, ये इसकी वेथ है, उसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ मैं। तो चलिए, इसके बाद में कुछ ये फुटर की ऑप्शन है, आप फुटर से, आप यहाँ से फुटर, इसका फुटर चेंज कर सकते हो।
ये चेन कॉपीराइट पे क्लिक करके आप यहाँ से इसका कॉपीराइट जो है क्लिक यहाँ से आप इसका कॉपीराइट जो है चेंज कर सकते हो। मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ इसका जो कॉपीराइट है, इस पर एक पेंसिल आइकन का जो बटन है वो भी दिया गया है कि आप यहाँ से भी क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो आप। ये पावर्ड बाय वर्डप्रेस जो लिखा हुआ है या कुछ इसका यूआरएल लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो देखिए ये पावर्ड बाय लियोवेब में चेंज हो गया है। तो उसी टाइप से आप किसी भी सेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, पूरी की पूरी वेबसाइट को आप कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें पूरे टेम्पलेट को आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये कलर्स और बैकग्राउंड के ऑप्शन है, कलर और बैकग्राउंड उसमें आप चेंज कर सकते हो। आप कुछ इमेज वगैरह बैकग्राउंड में लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। ये टाइपोग्राफी की ऑप्शन है, आप अपने जर्नल और हेडिंग्स के फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो, इसमें साइज वगैरह को छोटा बड़ा कर सकते हो। और बटन्स की ऑप्शन है, आप बटन्स को कैसे शो करना चाहते हो, उसका बैकग्राउंड कैसे होगा, और वो जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी जो बटन्स हैं आपके और जो ऊपर सेक्शंस दिए गए हैं उनके बटन्स हैं उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। ये मेन्यू की ऑप्शन है, मेन्यू आप यहाँ से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, अपने पेजेस को ऐड कर सकते हो। और ये वेट की ऑप्शन है, आप यहाँ अपना स्लाइड बार जो साइड बार जो ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, बट लेकिन इस टेम्पलेट में अगर आप साइड बार ऐड करते हो तो पूरा चेंजेस हो जाएगा, इसमें आपको कोई साइड बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये होम पेज की सेटिंग है जो हमने ऑलरेडी चेंज कर दी थी। और इसके बाद में ये वूकॉमर्स की सेटिंग है जो कि आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, चेकआउट पेज और प्रोडक्ट इमेज वगैरह की जो भी कुछ होता है। और ये एडिशनल CSS की ऑप्शन है, यहाँ पर आप कुछ भी अगर आप कोई अलग से अगर आपको CSS की नॉलेज है, CSS लैंग्वेज की नॉलेज है, तो आप CSS ऐड करके आप बटन वगैरह या कुछ अलग से सेक्शन ऐड करना कर सकते हो। अगर आपको CSS की नॉलेज नहीं है या आपको कोई भी लैंग्वेज की अदर नॉलेज नहीं है तो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली वेबसाइट रेडी कर सकते हो। एलिमेंटर पेज बिल्डर की यूज़ करके आप वेबसाइट रेडी कर सकते हो। हमने इस वीडियो में देखा कि हमने एक इजी वेबसाइट कैसे क्रिएट की, बहुत सुंदर वेबसाइट जो हमने पूरी की पूरी कस्टमाइज है, पूरी की पूरी वेबसाइट हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कुछ प्लगइन्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स वगैरह के बारे में बात करेंगे कि हमने कुछ जो थीम्स हैं जो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, और कुछ प्लगइन्स हैं जो हर वेबसाइट में और जो किस टाइप की अलग अलग वेबसाइट्स में यूज़फुल होते हैं, जिनमें से कुछ होंगे वूकॉमर्स, पेज बिल्डर और भी कुछ फॉर्म्स वगैरह के प्लगइन्स वगैरह, और कुछ आपको थीम्स वगैरह के बारे में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपको पूरी की पूरी वेबसाइट वगैरह के बारे में, हर टाइप की वेबसाइट वगैरह के बारे में आपको इन वीडियोस में इस चैनल में आपको बताया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन है आपको, या कुछ आप किस टाइप की वेबसाइट रेडी करना चाहते हो, या आपको ये थीम कैसी लगी है, इसके टेम्पलेट्स वगैरह आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।